पुराना उसमें भी मैंने बताया था, यहाँ भूल जाइए समारोह में बैठे हैं, आप ऐसा ही मानिए आप अपने परिवार में बैठे हैं और परिवार में ही गप गोष्ठी कर और अपना ही परिवार का कोई चिर परिचित चेहरा हमसे गप्पे मार रहा है। अगर ये हल्का फुल्का वातावरण रहेगा तो शायद मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे लिए ये कार्यक्रम किसी को उपदेश देने के लिए नहीं है, न मुझे अभिभावकों को उपदेश देना है, न टीचर्स को कोई उपदेश देना है और न ही विद्यार्थियों को देना है। मैं यहाँ आपके बीच खुद को अपने जैसा, आपके जैसा, आपकी स्थिति मनस्थिति वाला कुछ पल में जीना चाहता हूं जैसे आप। आइए शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? माननीय इस बार स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर भी हैं और पेरेंट्स भी हैं और वो भी देश से भी हैं, विदेश से भी हैं। सबसे पहले रूली दत्ता जो कि कोलकाता से हैं, एक टीचर हैं और वो आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। नमस्कार सर, माय नेम इज रूली दत्ता एंड आई टीच बायोलॉजी एट केंद्रीय विद्यालय आईआईएम चोपड़ा कोलकाता। माय क्वेश्चन टू यू सर इज, एज अ टीचर व्हाट यू टेल योर पेरेंट्स टू कंसीडर एग्जाम्स as make or break situation for their children's future. Thank you, sir. As a teacher, हमें उन parents को क्या कहना चाहिए जो ये समझते हैं कि exam से उनके बच्चों का भविष्य या तो बन सकता है या बिगड़ सकता है। बाकी इसी से मिलता जुलता ही एक और सवाल है जो हमारे बीच में इस वक्त बैठे हैं रोहित श्री, जो कि बेसिकली केरला से हैं लेकिन दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित श्री है, मैं केरला का रहने वाला हूँ और मैं अभी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। महोदय, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रहती है, जिसके वजह से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी रहता है। महोदय, मुझे लगता है आपका भी हाल कुछ हमारे जैसा है, देशवासियों को आपसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएँ हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कैसे डील करते हैं और हम इसके साथ कैसे डील करें। धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि कृपया लेकिन मुझसे भी ज्यादा अच्छे हिंदी बोल रहे हैं। आपका से बहुतों को जब 10वीं या 12वीं कक्षा में जाते होंगे या फाइनल एग्जाम होगा किसी को, उनमें तो 10 बार सुनना पड़ता है, समझ नहीं आता है। दोस्तों के साथ टेलीफोन पर बैठा जाओ, चलो कंप्यूटर छोड़ो, पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो, ऐसा ही होता है ना? सच बताइए ना। दरअसल परीक्षा का महत्व तो है, इसका इनकार